सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग आज भी अच्छे होंगे और काफी सारे मजे मस्ती कर रहे होंगे। तो गाइस, काफी हफ्तों से मेरी ये वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेने की सोची थी, क्योंकि अब तक मैं 40 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि 40 वीक्स तक कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करना आसान काम नहीं होता है। ऐसे में मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट तो बनता ही है, तो इसीलिए अब मैं फिर से अपनी जॉब पे वापस आ चुका हूँ आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने। तो आज भी मैं एक ब्रांड एनालिसिस वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो डाउनफॉल है वन प्लस का, वो क्यों आ गया है इतना सारा। जी हाँ, क्योंकि अब आपने देखा होगा वन प्लस की वो हाइप नहीं बन रही है जैसे फ्लैगशिप किलर उसको माना जाता, तो वैसे अब उसको फ्लैगशिप किलर नहीं माना जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है शार्दुल और आप देख रहे हैं दी टेक स्पायर। गाइस, 16 दिसंबर 2013 को कार्ल पेई और पीट लाओ ने मिलकर स्थापना की थी वन प्लस की, जिसे तब लोग फ्लैगशिप किलर के नाम से जानते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि लोग उसे उस नाम से नहीं देखते हैं, फ्लैगशिप किलर के नाम से नहीं देखते हैं? जब भी उसे कंपटीशन में देखा जाता है तो उसका नाम काफी पीछे आ जाता है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जो उसके हाइप में इतना डिप आया? तो जवाब की तलाश करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है ब्रांड नेम। अब आपने हाल फिलहाल में वन प्लस नाइन को लॉन्च हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, आपने नोटिस किया होगा कि वन प्लस नाइन का कोई भी स्मार्टफोन 50K के नीचे नहीं था। जी हाँ, तो ऐसे में आपको समझ में आता है कि ये प्राइस कितनी ज्यादा हाई हो चुकी है वन प्लस की। हालांकि ऐसा बनता भी है क्योंकि वन प्लस को सैमसंग और आईफोन जैसे स्मार्टफोन ब्रांड से कम्पीट करना होता है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि सैमसंग जो है 15K और 10K और 20K के अंडर फ्रीक्वेंटली फोन लॉन्च करता रहता है। सैमसंग ऐसा करता रहता है लेकिन वन प्लस ऐसा नहीं करता है। जी हाँ, और वहीं आईफोन की बात करें तो आईफोन बहुत ही ज्यादा हाई रेंज पे स्मार्टफोन लॉन्च करता है और वन प्लस कभी ऐसा नहीं करता है। जी हाँ, यानी कि अब वन प्लस इन दोनों से कम्पीट करने के चक्कर में अपने आप को ही कंफ्यूज कर दे रहा है, अपने आप को ही उलझा दे रहा है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब वन प्लस नॉर्ड लॉन्च हुआ था और नॉर्ड सीई लॉन्च हुआ था, हालांकि ये दोनों फोन अच्छे फोन है, काफी अच्छे फोन है, नो डाउट परफॉर्मेंस में अच्छे हैं, लेकिन जब ये लॉन्च हुए थे तब इनके कंपैरिजन में जो फोन खड़े थे उस टाइम पे वो इनसे ज्यादा अच्छे थे। उनका प्रोसेसर ज्यादा अच्छा था, इनका प्रोसेसर उतना मार्क नहीं था और ऊपर से प्राइस हाई थी। ऐसे में समझ में आता है कि वन प्लस जो है वो अब ट्राई कर रहा है अपने स्मार्टफोन्स को अपने ब्रांड के नेम पे बेचने की, जैसे सैमसंग और आईफोन करते हैं, यानी कि एप्पल करता है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, उसकी हाइप कहीं ना कहीं कम हो रही है। और यहीं से हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है ओएस। जी हाँ, अब वन प्लस की सबसे बड़ी ताकत आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी धीरे धीरे बनती जा रही है। जी हाँ, कैसे? जब वन प्लस आया था तो लोग उसे उसके यूआई के लिए ज्यादा प्रेफर करते थे। उसका ऑक्सीजन ओएस इतना क्लीन, इतना स्मूथ, बग फ्री, मतलब मजा ही आ जाता था। मतलब तब उसको कहा जाता था कि हाँ, ये ओएस जो है वो रियल कंप्यूटर है आईओएस का। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज वन प्लस का वैसा फील नहीं रह गया है, ऑक्सीजन ओएस का वैसा फील नहीं रह गया। बाकी स्मार्टफोन ब्रांड इतनी तेजी से अपने यूआई में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अब वन प्लस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पीछे छूट रहा है। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है, हालांकि ये हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, आगे चल के ये काफी सही रीजन हो, लेकिन अभी के लिए मुझे जो लगता है वो है वन प्लस का ओप्पो के साथ मर्जर होना। जी हाँ, यानी ऑक्सीजन ओएस और साथ ही साथ कलर ओएस का कोड बेक्स मिस होना। अब ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इससे काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, लाइक उसका जो कैमरा यूआई है वो काफी अच्छा हो गया है और कलर ओएस भी काफी अच्छा है। यानी कि कलर ओएस के कुछ कुछ फीचर हैं जो इसमें ऐड होंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन फिर से वही बात, जब पुरानी फील होती है तो वो चली जाती है तो फिर वो मजा नहीं देती है। वन प्लस की खुद की एक आइडेंटिटी है, उसके ओएस की खुद की एक आइडेंटिटी है, और जब वो किसी दूसरे के साथ मर्ज होगी, उससे मिल जाएगी, तो वो वैसी फील कभी नहीं देगी किसी भी वन प्लस यूजर को जो पहले वन प्लस के फोन यूज करता था। और यहीं पे मुझे लग रहा है कोई ना कोई कमी आ रही है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम मैं जो बताना चाहूंगा वो ये है कि आपने देखा होगा कि अब वन प्लस जो है धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या धीरे धीरे वो एक लूज एंड छोड़ रहा है अपने ओएस में। जी हाँ, जैसे कि उसका अपडेट्स लेट आना या अपडेट्स ही ना आना, कम 5G बैंड देना या ज्यादा 5G बैंड, ज्यादा 5G बैंड सोच रहे थे, कम 5G बैंड देना, ऐसे में ये दिखाता है काफी सारे बग्स आना, ये दिखाता है कि वन प्लस अब कुछ ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज करने लगा है, अपने ब्रांड नेम पे ज्यादा वो जाने लगा, उसके ओएस में अब डिप आने लगा है। तो ऐसे में उसके पास कोई अलग डिफरेंशिएटिव नहीं है कि उसका ओएस एक तरफ और बाकी के ओएस एक तरफ। और यहीं से हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है कॉम्प्रोमाइजेस। जी हाँ, जब वन प्लस नाइन सीरीज लॉन्च हुई थी तब काफी सारे लोगों ने कहा था कि उसके साथ कई सारे इश्यूज आ रहे हैं। जी हाँ, काफी सारी न्यूज आ रही थी कि उसमें हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, कैमरा यूज करते वक्त काफी ज्यादा हीट कर रहा है फोन। जी हाँ, ऐसे में हेजलब्रैड का नाम होते हुए भी कैमरा उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो जा रही, ऐसी काफी सारी न्यूज आई थी। और साथ ही साथ
जब नॉट 2 लॉन्च हुआ था तब भी काफी सारी न्यूज आई थी कि उसमें बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे हैं नॉट 2 के, कम से कम 50 ऐसी खबर आ चुकी थी कि नॉट 2 इस जगह पे ब्लास्ट हुआ, उस जगह पे ब्लास्ट हुआ, मतलब लोग समझने लगे थे कि वो वन प्लस नॉट 2 की जगह हाथ में बम लेके घूम रहा है। अब मैं ऐसा मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वन प्लस जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो प्लान पूरी अच्छे तरीके से कर रहा है, बस उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है आज के टाइम में। वहीं पे अगर उसके कंप्यूटर को देखा जाए तो वो नए प्लान लाते हैं, उसको कायदे से एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं जो वन प्लस नहीं कर पा रहा है। वो हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे एक दो लूज एंड छोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से उसको इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ उसके यूजर्स को भी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं कहूँ तो वन प्लस को इस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके उसके लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात बन सकती है। अब गाइज यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये मैं वन प्लस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वन प्लस से मेरा कोई हेट नहीं है सबसे पहले, क्योंकि काफी लोग गलत समझ लेते हैं। अब एक्चुअली मैं ब्रांड एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कैसे एक इतना अच्छा ब्रांड इतनी जल्दी डिप पे आ रहा है। तो ऐसे में अब मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहूंगा कि OnePlus बिल्कुल ही बेकार काम कर रहा है। हाल ही में वो अपना OnePlus 10R लाया है, 150 वॉट की चार्जिंग है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, अच्छे कैमरा है, अच्छी परफॉर्मेंस है और प्राइस भी काफी ज्यादा अग्रेसिव है। और मैं चाहता हूं कि OnePlus ऐसा ही करे, वो 40,000 के फोन को 35,000 में लाए, पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर दे बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जानते हैं OnePlus को इसके लिए। अब आप में से जितने लोग क्रिकेट देखते होंगे और क्रिकेट के शौकीन होंगे, आप ये सोचिए क्रिस गेल अगर राहुल द्रविड़ की तरह खेलेगा तो कभी भी उसको देखने में मजा ही नहीं आएगा। आप क्रिस गेल को किस लिए देखते हैं, आप क्रिस गेल को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर बॉल पे सिक्स मारता है, वो एकदम एग्रेसिव होकर खेलता है। ऐसे ही मैं वन प्लस को जानता हूँ, वन प्लस एक फ्लैगशिप किलर माना जाता है। जब वो फोन लाता है तो फिर बाकी के स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर एक खौफ दौड़ जाता है कि यार ये बंदा अब फोन लाएगा इतने प्राइस में तो हम इससे कैसे कम्पीट करेंगे। और मेरे हिसाब से वन प्लस को यहीं पे थोड़ी बहुत नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो 10R लाया है, वो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, मेरी तरफ से पर्सनली काफी ज्यादा रिकमेंडेड है वो, अगर आप लोग अंडर 40,000 देखना चाहते हैं तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है। तो ऐसे ही वन प्लस को अपने वही पुराने वाले फोन में वापस आना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको काफी ज्यादा ओवरव्यू रखना पड़ेगा अपनी चीजों पर और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक कायदे का और फिर से जो अपनी वो जो खोई हुई एक तरीके से रेपुटेशन उसको फिर से वापस ला पाए। जी तो गाइज ये तो थी मेरी एक और ब्रांड एनालिसिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा फैले। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें कोई पॉइंट हर्ट हुआ है क्या, या आपको इसमें से कौन से पॉइंट से आप ज्यादा एग्री करते हैं या ज्यादा आप रिलेट कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी फ्यूचर में ऐसे वीडियोस लाऊं। और तो और सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।